नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर होने वाले खरपतवार नियंत्रण की। धान की फसल में किसान साथियों सामक, मस्टम, मोथा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हमें धान के खेत के अंदर हमें क्या करना है, ब्यूटाक्लोर नाम की दवाई जो होती है उसको हमें 1.2 kg लेना है, 60 किलोग्राम रेत के अंदर मिला के और खेत के अंदर बराबर मात्रा में हमें क्या करना है, छिड़काव कर देना है। दो से ये काम आपको ट्रांसप्लांटिंग के बाद, पौधा रोपण के 2 से 3 दिन बाद कर देना है। ध्यान रखिए, ब्यूटाक्लोर पौधा रोपण के 2 से 3 दिन बाद 1.2 kg 60 किलोग्राम सूखी रेत के अंदर मिला के आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा किसान साथियों, जब हम बात करते हैं जो चौड़ी पत्ती और के खरपतवार हैं उनके नियंत्रण के लिए आपको 20 से 25 दिन बाद आपको मेटासल्फ्यूरोन मिथाइल प्लस क्लोरोमीरोन इथाइल जो हर्बिसाइड आता है हमारा, ये बाज़ार में आपको दारा मिक्स या अन्य किसी नाम से मिल जाएगा। आप इसका सकते छोट ले लीजिए। आप बाज़ार में इस केमिकल का कोई भी हर्बिसाइड ले सकते हैं। इसका स्प्रे कर 200 लीटर पानी के अंदर आप 20 से 25 दिन बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपके खेत के अंदर खरपतवार का बिल्कुल कंप्लीट नियंत्रण हो जाएगा। धन्यवाद।